हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल हाईटेक कॉर्नर। फ्रेंड्स, वीडियो पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी आपको वेबसाइट्स बताई जाती हैं, मोबाइल ऐप्स बताई जाती हैं कि आप इनसे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो सारी चीज़ें फेक होती हैं। आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रही हूँ बिल्कुल वैलिड रिसोर्सेज हैं। दोस्तों, फर्स्ट मेथड है कि आप यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप अपना एक चैनल बनाएंगे, उस पर आप अपनी वीडियोज अपलोड करेंगे। अब वीडियोज कैसी अपलोड करेंगे ये आप पर डिपेंड करते हैं। क्या आप इंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज अपलोड कर सकते हैं, उस पर आप डिफरेंट फनी वीडियोज अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक आप कुछ लर्निंग टीचिंग रिलेटेड कुछ भी जो आपका है इंटरेस्ट है जिस साइड पे, आप वो वाली वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। और जो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस साइड पे आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी। आप इसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स से आप रिसर्च कर सकते हैं, चैनल बनाने से पहले कर लें, चैनल बनाने के बाद आप कर लें। आप किसी भी नाम से अपना एक चैनल बना लेंगे और उसका वीडियोज अपलोड करेंगे, आप सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, अपना वॉच टाइम जो है वो कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद एडसेंस आपको बेसिकली आपके सामने यूट्यूब आपको पे कर रहा होता है, लेकिन वो एडसेंस एड्स की बेस पे आपको पेमेंट कर रहा होता है। तो यूट्यूब के थ्रू जब आपकी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो सेकेंड वे ऑफ अर्निंग है, वो है हमारे पास कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों की एक तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, दूसरा वो लोग राइटिंग में इनको इंटरेस्ट है। जैसे राइटर्स होते हैं वो कुछ भी नॉवेल्स को लिखा होता है, कुछ वैसे भी ब्लॉगिंग लिखे होते हैं कुछ भी, तो आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आपको राइटिंग में इंटरेस्ट हो। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके तो वहाँ पे अपने ब्लॉग्स राइट कर सकते हैं। और राइटिंग का पर और भी बहुत सारे लोग राइट कर रहे होते हैं, तो कंटेंट राइटिंग के थ्रू भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये है कि आप जैसे कोई भी ना ऑनलाइन वेबसाइट होती है वो कुछ सेल कर रहे होते हैं, तो उनका तो एक इन्वेंट्री जो होती है वो मेंटेन की होती है, लेकिन आपको ड्रॉप शिपिंग में आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग में आपको बेसिकली आप कहीं ना कहीं से कुछ बाय किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, उसको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके सेल कर देते हैं, अपना एक कुछ अमाउंट जो है वो रख के, जो कमीशन अपना उसके लिए रख के। लाइक आपने ₹10 की $10 की चीज़ परचेज की, अब आप उसको $15 में जाके किसी दूसरी वेबसाइट पे आप सेल कर दें, तो जो $5 आपको सेव हो जाएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स है, लाइक आप अमेजन से आप कोई चीज़ बाय करते हैं करके आप उसको अलीबाबा में जाके सेल कर दें, या अलीबाबा से परचेज करके अमेजन पे सेल कर दें। इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको मिडिल एक स्टोर या एक आपको सप्लायर या वो आपको देखना पड़ेगा, लेट्स से आप रिसर्च उसकी करके तो वो सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आप किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑनलाइन स्टोर की कोई भी प्रोडक्ट आप अपने सोर्सेज के थ्रू आप सेल करते हैं, आप उनका लिंक यूज करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या कहीं से भी आप उनकी प्रमोशन करते हैं या उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो उसकी बेस पे अगर प्रोडक्ट $100 की है तो उसमें से $10 $15 जितना भी कमीशन उन्होंने आपके साथ सेट किया होता है वो उतना आपको पे करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करते हुए भी आप बहुत सारी जो है अर्निंग अपनी कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग आप अमेजन पे कर सकते हैं, क्लिक बैंक के थ्रू कर सकते हैं, अलीबाबा के थ्रू कर सकते हैं। इन सब की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप इनमें अफिलिएट मार्केटिंग का उस पे आपको ऑप्शन दिया होता है अपनी वेबसाइट्स पे, तो वहाँ से जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग बेसिकली इसमें कोई एक स्किल नहीं आती, इसमें आप डिफरेंट स्किल्स या तो आप किसी भी एक स्किल में है, माय है, आप कोई भी काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, आप डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप कंटेंट राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप अच्छे विजुअल असिस्टेंट हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप ये समझते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उसके थ्रू फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू जाके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, लाइक अपवर्क है, फाइवर है, सिंपली हायर्ड है, क्रिएटिव ग्रुप है, उसके अलावा गुरु है, बहुत सारी हैं। इन पे जाके आप अपने अकाउंट्स बना के अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड जाके आप अकाउंट्स बनाएंगे बना के, तो उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। अब बात की अर्निंग के मेथड्स बहुत सारे हैं, बात ये कि आप करते क्या हैं। एक रात में कोई भी आप ये समझे कि अगर आप एक रात में जाके तो लाखों करोड़ों कमा लेंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करेंगे तो आप इन मेथड्स के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अर्न कर सकते हैं, बस जरूरत सिर्फ मेहनत की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।